Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने घर टेस्ट बुक से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बुक एंड ऑथर्स यानी पुस्तकें और उनके लेखक, उस पर हम लोग आज 30 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी को हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो रेलवे का हो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं ये वाला जो टॉपिक है बुक एंड ऑथर्स, ये वाला जो टॉपिक है वो आपको आपके हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, स्टेट पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और फटाफट जो है चलते हैं लाइव, फटाफट से अपना टॉपिक डिस्कस करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन को क्या करिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट जल्दी से अपना डिस्कस, अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंगद पांडे जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप? नैना जैसवाल जी, ज्योति जैसवाल जी, संतोष कुमार, कैसे हैं आप? मुस्कान प्रीति वर्मा जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बेटा रिया मिश्रा जी, गुड इवनिंग, कैसे रिया मिश्रा आप? ज्योति जैसवाल जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए रॉकी राज, कैसे हैं आप? अजय, अजय जी कैसे हैं आप? चलिए आइए अब आज का अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, प्लीज आप सेशन को शेयर करते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक, ऐसी महत्वपूर्ण किताबें जो 100% आपके एग्जाम में आएंगी, ऐसी पुस्तकें हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली पुस्तक बेटा, फर्स्ट इज द वाइजेनार्ड सीरीज, द वाइजेनार्ड सीरीज, सीरीज वन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विजनार्ड सीरीज सीजन वन, सीजन वन विजनार्ड सीरीज सीजन वन के लेखक यानी राइटर कौन है? प्लीज सेशन को शेयर करते रहे और फटाफट इसका आंसर जल्दी से बताइए। प्रकाश साहू जो है, हेलो सर, आपका लास्ट लेक्चर अच्छा लगा, गुड इवनिंग सर। प्रकाश थैंक यू सो मच एंड मेरे साथ बने रहिए, हम लोग 30 क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सिंग इज किंग, सिंग इज क्वीन भाई साहब का आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद केशव चंद्रा, फिर रितिका सिंह, प्रीति वर्मा, रॉकी राज, शशिकांत सिंह, नहीं पता, कंफ्यूज, प्रियांक तोमर, राम राम सर जी, वेरी गुड बेटा, राम राम। चलिए इसका राइट आंसर है बेटा कोबे ब्रायंट, कोबे ब्रायंट ने द विजनार्ड सीरीज सीजन वन नामक बुक लिखी है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इतना समझाना चाहूंगा, इतना बताना चाहूंगा कि टेस्ट बुक आपके लिए 24 आवर की फ्लैश सेल लेके आया है, जिसमें ईयरली टेस्ट बुक पास है, जिसमें आप 299 यानी 299 रुपए में 100 प्लस कोर्सेज और 12,000 प्लस टेस्टिस क्या कर सकते हैं, टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। तो आप जाके, ये आज रात 12 बजे तक वैलिड है, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आइए फटाफट से जल्दी से अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ, इतनी बेहतरीन पुस्तक, जल्दी से बताइए राइटर
citizen of Delhi या citizen Delhi, my times my life, who is the या who was the better रहेगा, who was the author of the book citizen Delhi, my times my life, citizen Delhi, my times my life, फटाफट बता दीजिए, citizen of Delhi, ज्योति जयसवाल जी थैंक यू, टेक्स्टबुक इज द बेस्ट बुक, थैंक यू सो मच। प्रियांक बेटा इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। सारे बच्चों के लिए एक बार तालियां बनती हैं, और तालियां इसलिए बनती हैं कि सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, एकदम राइट दिया, एक भी बच्चा ऐसे नहीं है जिसने इस क्वेश्चन को गलत किया हो, और वो है शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित आप सब बालक जानते हैं कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो बनी रही, एक अच्छी लीडर थी जिनका लास्ट ईयर देहांत हो गया। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन, इंडिया 2020 और भारत 2020 एक्चुअली ये एक ही बुक है, हु रिलीज द रेफरेंस एनुअल बुक इंडिया 2020 एंड भारत 2020, ऐसी वाली पुस्तक जो है उसका विमोचन या किसके द्वारा जारी की, इंडिया 2020 ये एक्चुअली एक बुक आती है सरकारी डेटा के ऊपर, ये गवर्नमेंट की बुक होती है और आप सभी बालकों को भी पढ़नी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इस बुक को किसने रिलीज किया है, किसने इसे प्रकाशित किया है, किसने इसका विमोचन किया है, क्या आप लोग बता सकते हैं जल्दी से, मैं आंसर देख पा रहा हूं, वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड केशव, मीनाक्षी, कैनेडी बॉय, बहुत दिनों बाद कैनेडी बॉय आप क्लास अटेंड कर रहे हैं बेटा, रिंकी शुक्ला, ज्योति जयसवाल, वेरी गुड ज्योति जयसवाल, एकदम सही आंसर है आपका, प्रभय यादव वेरी गुड शाबाश, प्रियांक कुमार वेरी गुड, रश्मि सिंह वेरी गुड, देखिएगा इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है आपका प्रकाश जावेडकर, जो कि हमारे देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने अभी इसको क्या किया है, विमोचन किया इसका। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बताइए, और प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक हाल ही में जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी की गई थी, पुस्तक का नाम है, और देखो बेटा इस समय आंधी चल रही है मोदी जी के नाम की, है ना, माननीय प्रधानमंत्री के नाम की, तो ये आपको पता होनी चाहिए, द बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली रिलीज इन जनवरी 2020 बाई द यूनियन होम मिनिस्टर, द नेम ऑफ द बुक इज, जरा बताइए, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप जान लीजिए। हाँ मनोज पाटिल जी सही कह रहे हैं, प्लीज लाइक एंड शेयर रुकना नहीं चाहिए, प्लीज लाइक करें शेयर करें, और अगर आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके भी बताएं। बेटा ये एक सेकेंड, ये जो आप बता रहे सेपरेट गेमिंग, आपका आंसर गलत है बेटा, आप सोच रहे हैं ऐसा क्वेश्चन सही हो सकता है लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है आपका, ठीक है, तो आप ध्यान से जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हैं मुझे पता थी आप ऐसा ही आंसर देंगे, हाँ लेकिन रश्मि सिंह जो है मैं नहीं बताऊंगा अभी आपका क्या है, मोटा भाई वेरी गुड, ये कैनेडी बॉय का आंसर एकदम सही है बेटा, इसका राइट आंसर जो है वो है कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ जो है वो नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है, और इसमें मैं आपको बताऊं बीजेपी के बहुत बड़े लीडर्स और हमारे देश के केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें क्या किया है, इसमें लेखक का काम किया है, सारे लोगों ने अपना अपना चैप्टर लिखा है, हालांकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग एग्जाम वॉरियर्स इस वाली पुस्तक का नाम भी बता रहे थे, एग्जाम वॉरियर्स, बेटा ये वाली पुस्तक खुद नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है,
किसने लिखी है कि जब एग्जाम होता है, जब पेपर होते हैं, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बालक क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये एग्जाम वरीज नामक पुस्तक लिखी है। अच्छा, द इनसाइडर, इस वाली पुस्तक के लेखक पीवी नरसिंह राव, हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिंह राव साहब, पीवी नरसिंह राव ने जो है द इनसाइडर नामक पुस्तक लिखी है। और चेंजिंग इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं। मनमोहन सिंह जी ने जो है चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ये चारों ही पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अगला। लेकिन प्लीज सेशन को यार शेयर करना बनता है, प्लीज सेशन को शेयर करें। प्रियांक बेटा, निशी कुमारी, प्रियांक, वेरी गुड, आप लोग सेशन को क्या करें, शेयर करें। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात, प्लीज सेशन को शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है, या इस पर काम चल रहा है, अगस्त में रिलीज होने वाली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन रोट द ऑटोबायोग्राफिकल बुक एस अगेंस्ट ऑड्स, जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और हमारे देश की बहुत फेमस खिलाड़ियां हैं साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, युवराज सिंह और सानिया मिर्जा, इनमें से किसने ये पुस्तक लिखी है, जल्दी से बताइए। इनमें से दिल्ली पुलिस के एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर? बेटा कॉल लेटर आना स्टार्ट हो गए, दिल्ली पुलिस के कॉल लेटर आना स्टार्ट हो गए। मानसी तिवारी, गुड इवनिंग बेटा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और प्लीज सेशन को शेयर करते रहिए, प्लीज सेशन को शेयर करते रहिए बेटा। जो है हाँ, करंट अफेयर कितने महीने का पढ़ लें, पिछले पांच महीने का तो कम से कम पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला देखते, इसका राइट आंसर है बेटा सानिया मिर्जा, टेनिस की प्लेयर, बहुत अच्छी प्लेयर हैं, और इन्हीं ने ये जो है अपनी पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स ये जो है वो लिखी है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वाओ, द डेथ ऑफ जीसस, नोबल प्राइज भी मिला है 2019 का, डेथ ऑफ जीसस नोबल प्राइज भी मिला है, और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, नोबल लिटरेचर 2019। व्हाट हिज नेम, उनका नाम क्या है, जरा बताइए, द डेथ ऑफ जीसस के राइटर, और सब लोगों को बताना है। लेकिन बताने से पहले एक बार प्लीज सेशन को शेयर करें, और जरूर शेयर करें। हेलो, जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए, वेरी गुड, सेशन को बेटा शेयर करते रहें प्लीज। आई एम ऑल्सो निशी, विवेक ठाकुर, शाबाश, प्रियांक तोमर, कीर्ति सेट्टी, बेटा कीर्ति आपका आंसर, दिलीप त्रिपाठी, वेरी गुड बेटा, दिलीप आ गए, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और इसका राइट आंसर, जैसा आप लोग बता रहे हैं, मोस्टली लोग गलत बता रहे हैं, बड़े दुख की बात है। और इसका राइटर जो है वो है जॉन मैक्सवेल क्लोथ जी, जॉन मैक्सवेल क्लोथ जी जो है बेटा, इन्होंने पुस्तक ये लिखी है द डेथ ऑफ जीसस, और बेटा इनको नोबल प्राइज भी, नोबल पुरस्कार भी इसके लिए मिला था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बताइए, द ड्रीम्स ऑफ माई, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स ऑफ माई फादर या ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स ऑफ माई फादर या ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, जल्दी से बताइए कौन है इसके राइटर, ड्रीम्स ऑफ माई फादर, प्लीज सेशन को शेयर जरूर करें। सिंग इज किंग, हाय अल्लाह, और मनोज कुमार सर, आप सबका नाम ले रहे हैं हमारे, अरे मनोज मैं आपका आंसर पूरा बहुत ध्यान से देख रहा हूं बेटा मनोज, हाँ बेटा जो है विवेक ठाकुर, हम बरेली से ही हैं, वेरी गुड, जा रहे हैं आप सही, फटाफट जल्दी से। और करंट अफेयर पिछले पांच महीने का करंट अफेयर बहुत है, दिलीप, प्रीति, रश्मि, आयशा दास, प्रीति वर्मा, कीर्ति सेट्ठी, वेरी गुड, अमित कुमार, बेटा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम सही है, टेस्ट बुक पास,
299 में 100 प्लस कोर्सेज टेस्ट बुक आपको लेके आया है। अब वास्तव में मैं आपको बता दूं, टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप हमारे यहाँ किसी भी सिलेबस में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपरली आपको क्लास देते हैं हर डे, एवरी डे, प्रत्येक दिन हम आप लोगों का टेलीग्राम पे क्विज चलता रहता है। हर तरह से आपको तैयार करने का काम जो है वो हम करते हैं। तो आइए फटाफट से जल्दी से इसका राइट आंसर जो है वो देख लेते हैं। और बेटा इसके राइट आंसर है बराक ओबामा जी ने ड्रीम्स ऑफ माय फादर नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें वो अपने पिताजी के सपने के बारे में, वाकई बहुत ही गजब, बहुत मस्त पुस्तक है, आपको एक बार पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, फटाफट बताइए इसके राइटर कौन है। मार्च 2020 में किसने द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट नामक पुस्तक लिखी है, फटाफट बताइए। बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन पुस्तक बताने से पहले प्लीज सेशन को शेयर जरूर करें भाई, सेशन को शेयर करना जरूर बनता है। रश्मि मिश्रा कह रही हैं, सर रीजनिंग क्लास आरआरबी एनटीपीसी के लिए कब होती है? बेटा मैं आपको बता दूं, आपको शेड्यूल, मेरी क्लास जब शुरू होती है स्टार्टिंग में ही आपको शेड्यूल दिख जाएगा, एक बार। दूसरा, मनोज कुमार आपका कल एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आप सफल रहे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है, वेरी गुड, विकी कीर्ति वेरी गुड, थैंक यू बेटा। और शुभम शर्मा जी, चलिए अब देखिए, अब हम बताते पीडीएफ बेटा इसका कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वेरी गुड। अच्छा अब देखिएगा, सुनिएगा जरा, एक सेकंड सुनिएगा, इसका राइट आंसर है नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, और उन्होंने ये पुस्तक जो है वो लिखी है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से ये बेटा बहुत मस्त पुस्तक है, सीखने की विरासत, लेजेसी ऑफ लर्निंग, बहुत मस्त पुस्तक है, और ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? और ये बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी बुक है, आप एका चैप्टर इसका पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, सीखने की विरासत, लेजेसी ऑफ लर्निंग, इसके राइटर कौन है? निम्नलिखित में से कौन पुस्तक का लेखक है, सीखने की विरासत, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ लेजेसी ऑफ लर्निंग। अब प्लीज सेशन को शेयर करते रहिए भाई, और बहुत अच्छी पुस्तक है बेटा। नेक्स्ट वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मनोज पाटिल बेटा एक ही दिल है हमारे पास, उसको कितने बार जीतोगे हैं? और ये क्या बच्चे ने, सर उड़ीसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, हाँ मनोज कुमार आपका आंसर इतना जो है, कोणार्क का मंदिर है जो कि ब्लैक पैगोडा का मतलब क्या होता है, एक तरह से बौद्ध मंदिर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, व्हाट इज, अरे कीर्ति बेटा पढ़ लो थोड़ा सा, सारे लोग दूसरी वाली कीर्ति से कह रहे हम, वेरी गुड, शाबाश। देखिएगा नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, हाँ सॉरी, इसका राइट आंसर, वेरी गुड, देखिए इसका राइट आंसर है सविता छाबड़ा जी ने ये बुक जो है वो लिखी है। और मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो बुक है इसमें किसको दिखाया गया, गीता जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता बुक जो है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश वाली गीता जो है बेटा, इसमें क्या दिखाया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वो अपने आप मिल जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी कर्म को ही दिखाया गया है, और वास्तव में आप अच्छे से मेहनत करेंगे विदाउट किसी टेंशन के, विदाउट ये सोचे कि होगा नहीं होगा, आपका काम है एग्जाम देना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप मेहनत से पढ़िएगा, मेहनत से, ईमानदारी से कर्म कीजिएगा, इसकी राइटर है सविता छाबड़ा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, शानदार और अल्टीमेट क्वेश्चन,
बेटा उनकी एक व्यक्ति है, उनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच में प्रकृति वर्णन पर उनके शोध का विस्तृत वर्णन है। यह क्रम विकास जीव विज्ञान के क्षेत्र के ऐतिहासिक कार्य बन गया। इस पुस्तक को लिखा गया है, मतलब हिज 1859 बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच डिटेल्ड मच टू हिज रीच ऑन द नेचुरल सिलेक्शन। इट बिकम लैंडमार्क वर्क इन द फील्ड ऑफ इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी द बुक रिटेन बाय। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और ये आपको जो अच्छे एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी हो गया, एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, इसमें आपको मिलता है। और बेटा अगर आपको सेशन जो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर जरूर करें। देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हमको भाई अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज सेशन को शेयर जरूर करें। एंड आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएं। वेरी गुड, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, बाद बाकी तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे बच्चों ने एकदम राइट आंसर दिया है। बेटा सारे बच्चों ने, एक क्वेश्चन है आपसे विवेक ठाकुर जी पूछिए क्या क्वेश्चन है हमसे, ठीक है। देखिए इसका राइट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो है बेटा वो है चार्ल्स डार्विन। डार्विन बात का सिद्धांत आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और इस बुक के लेखक हैं डार्विन। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन और है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर पुस्तक मोदी इनक्रेडिबल इमर्जेंस ऑफ स्टार के द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? इनक्रेडिबल, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैं जरा उसका क्वेश्चन भी देख लूं, तब तक आप जो है ये वाला क्वेश्चन भी देखिए फटाफट जल्दी से बताइए राइट आंसर। मनोज पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। चलिए हाँ, ये रिया मिश्रा जी कह रही हैं कि सर आपके हिसाब से सारी बुक ही अच्छी हैं। हाँ बेटा मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए चुन के लाया हूं, ऐसे नहीं फालतू में, आप कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन ले लेंगे उसमें भी 100 200 500 पुस्तकें लिखी होती कम से कम, है ना। तो ऐसा नहीं, मैंने जो है बीपीएससी, वेरी गुड शाबाश बालक का क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा भाई, ठीक है। चलिए वेरी गुड शाबाश, राइट आंसर आना शुरू हो गया है, और इसका राइट आंसर सबसे पहले और सबसे सही दिया तरुण विजय बीजेपी से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसके साथ साथ बेटा ये एक जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार भी हैं, तो इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, और ये सबको बताना है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको ये क्वेश्चन बताना, और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कब होगी? बेटा मेरे हिसाब से तो जनवरी तक स्टार्ट हो जाने चाहिए हर कीमत पर। वेरी गुड, विशाल भगत जयसवाल जी, यस दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट था, वेरी गुड। जरा इसका और ये राइट आंसर बताइएगा, और ये कौन सी भाषा में लिखी थी ये भी बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा, और ये कौन सी भाषा में लिखी हुई थी ये भी बताइएगा। लेकिन प्लीज सेशन को शेयर जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। देखिए सेशन शेयर नहीं हो रहा है, कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? मनोज पाटिल जी बहुत सही जवाब है आपका, कीर्ति सेट्ठी बेटा आपका आंसर गलत है ना। विशाल भगत, इतना बापू को प्यार ना करो बेटा कि बापू दोबारा जन्म ले लें। हाँ हाँ, ऐसा दास सर जी आपने टाइमर नहीं लगाया, कब लगाएंगे बेटा? लगा लेंगे, अभी हमारा कुछ तकनीकी समस्या चल रहा है, ठीक है। फटाफट जल्दी से पहले आंसर बताओ, और कौन सी लैंग्वेज में लिखा ये वाला बताओ, है पहले ये बताओ जो है कौन सी इंग्लिश नहीं है भाई, मैं आपको पहली बता दूं इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में नहीं लिखी हुई है। प्लीज सेशन को शेयर करो भाई, पहले
पहले सेशन को शेयर करो फिर देखते हैं, ऐसा नहीं है, टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं करता है। हम ऐसे नहीं कि पानी तब पीऊंगा जब वो हो जाएगा। आराम से पढ़िए, आपकी सिलेक्शन आपकी नौकरी हमारा प्राइमरी उद्देश्य है। आप सफल है बस, हम सफल है, आप सफल है हम सफल है बस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिएगा महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और ये बेटा कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, गुजराती भाषा में। कौन सी भाषा में है, गुजराती भाषा में जो है वो ये बुक जो है वो लिखी थी, ठीक है। बाद में इसको अलग अलग ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट वन, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। सर एक क्वेश्चन है उस पर लिंक लिख कौन है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइए। और अगला क्वेश्चन है कलातीत भारतीय उपन्यास। अरे देवदास बेटा, ये तो सबको बताना है कि देवदास के राइटर कौन है, हु इज द राइटर, द टाइमलेस इंडियन नोवल देवदास वॉज रिटेन बाय, देवदास के लेखक कौन है। सेशन को शेयर करते रहें और शेयर करते रहें। कीर्ति सेट्ठी, महात्मा गांधी, विवेक ठाकुर, बेटा आपको जो है सारे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको सारे, मनोज पाटिल गुजराती गुजराती में लिख दिए भाई, वेरी गुड शाबाश। लेकिन प्लीज सेशन को शेयर करना बनता है भाई, देखो सेशन को शेयर करना बनता है, वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। राइट आंसर जैसा आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, मेजोरिटी जिधर जा रही है और 100% मेजोरिटी जा रही है शरद चंद चट्टोपाध्याय या शरद चंद चटर्जी, और बहुत ही फेमस जो है उपन्यास है, फिल्में भी बहुत बन चुकी हैं। उस पहली पुस्तक का नाम बताइए, वाओ, जिसने भारत ऑस्ट्रेलिया लेखक अरविंद अडिंगा के लिए 2008 में मैन बुकर पुरस्कार अर्जित किया था। नेम द टाइटल ऑफ द जो है ड्यूड बुक विच अर्न द 2008 मैन बुकर प्राइज फॉर द इंडो ऑस्ट्रेलियन राइटर अरविंद अडिंगा। जल्दी से बताइए और बढ़िया एक अपनी नॉलेज बढ़ाइए, बढ़िया जल्दी से बताइए और अपनी नॉलेज बताइए। ऐसा दास, दिलीप कुमार भी, कब, वेरी गुड सर, पुराने वीडियो, बेटा पुराने वीडियो जो है सर आपसे पुराना, अच्छा सर सबसे पुराना वेद कौन सा है और इसके राइटर कौन है, विवेक ठाकुर पूछ रहे हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है और इसके राइटर कौन है। बेटा सबसे पुराना वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद, और ऋग्वेद के कोई राइटर नहीं है बेटा, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद इनके कोई राइटर नहीं है, इसीलिए इन्हें अपौरस्य कहा जाता है। कृष्ण दोपाइन एक ऋषि थे जिन्होंने इन्हें कंपोज किया, वेरी गुड। नहीं बेटा ठीक है, चलिए आपको आंसर मिल गया होगा बेटा। चलिए अब देखिएगा इसका राइट आंसर, आपका राइट आंसर, वेरी गुड राघव मेहता जी, आप मेल कर दीजिए राघव मेहता जी, आपको इशू आ रहा मेल कर दीजिए, 100% सॉल्व हो जाएगा, 100% आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और इसकी द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडंगा की पुस्तक कौन सी है, द व्हाइट टाइगर। 5 पॉइंट संबंध के राइटर पता है ना आप लोगों को, 5 पॉइंट संबंध चेतन भगत, और उसके बाद द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसकी इसकी राइटर कौन है भाई, इसकी राइटर कौन है, तो वो है किरण देसाई। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसकी राइटर कौन है, मैं एक बार आपका कमेंट देख लूं, डी ही है गुरुजी, वेरी गुड। और इसके जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के कौन लेखक हैं, तो इसके हैं बेटा अरुंधति रॉय, ठीक है। चलिए और ये चारों पुस्तक ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, चारों के राइटर एकदम याद रखना, इसके चेतन भगत हैं, इसकी जो है किरण देसाई हैं, इसकी अरुंधति रॉय हैं, और इसके जो है अरविंद अडिंगा हैं, इस तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, मालगुडी डेज,
ये बताइए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा था सर आप हर पुस्तक को अच्छा बता रहे, अरे अरे वो है उतनी शानदार पुस्तक। अब आप बताइए चेतन भगत मेरे भैया जी, वेरी गुड शाबाश, सेशन को शेयर करते रहिए और जल्दी से बताइए, सेशन को प्लीज शेयर करते रहिए और जल्दी से बताइए। मालगुडीज डेज के राइटर कौन है? कुछ बालक कह रहे हैं आरके, कुछ कह रहे हैं ऐसे वाला हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत बेटा विशाल गलत आंसर है आपका। विकी टुडे ओनली बुक ऑथर, वेरी गुड। हाँ आज केवल किताब भी डिस्कस करेंगे हम लोग, बस जल्दी से बताइए आरके, वेरी गुड शाबाश शाबाश। चलिए इसके राइटर मैं आपको बता दूं, ये तो और ये तो सीरियल भी बना था एक, है ना, लेकिन आप लोग प्लीज शेयर करिएगा है, और इसका राइट आंसर है आरके नारायण। आरके नारायण ने जो है वो कौन सी मालगुडीज डेज नामक बुक जो है वो लिखी है। और मस्त वाली बात हम आपको बता दें, एक अल्टीमेट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पास आज शाम आज 12 बजे तक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 299 में, बहुत सारे अनलिमिटेड सिलेबस 100+ कोर्सेज आप पा सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट, लोगों के राष्ट्रपति, करोड़ों हम 1,21,00,00,000 भारतीयों के लिए, हम 1,00,00,000 जो है 21,00,00,000 अब तो 30,00,00,000 हो गए होंगे, 1,31,00,00,000 भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, एक बात। और दूसरी बात, सेशन को शेयर करना कतई ना भूलें, सेशन को शेयर करना ना भूलें, फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। वाओ निशी कुमारी, बेटा तुमने बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया है, वेरी गुड। हम बी भैया अपने पिक चेंज करो नहीं तो ओके, ठीक है वेरी गुड। देखिए मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर विंग्स ऑफ फायर ही है। मैं आपको बता दूं ये चारों बुक इनके चारों के राइटर्स ही जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री कलाम साहब हैं, और इन चारों ही बुक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में लेक्चर को देख के इनको लिख सकते हैं, चारों के राइटर माननीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, ठीक है बेटा, ऐसा वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन जेके रोलिंग, बेटा इतना फेमस कब है, जेके रोलिंग इज द ऑथर ऑफ, जेके रोलिंग निम्नलिखित उपन्यास में से किस उपन्यास के लेखक जेके रोलिंग है, वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए जरा फटाफट, द मिसाइल मैन वेरी गुड, विंग्स ऑफ फायर वेरी गुड। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, पीपल प्रेसिडेंट प्रभाई सर एम टी वेरी गुड, पहले इसका आंसर दीजिए जल्दी से, शाबाश अमित कुमार, अमित कुमार बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी गुड। और मुकेश कुमार, दिलीप त्रिपाठी, मुस्कान, प्रीति वेरी गुड, ज्योति जैसवाल वेरी गुड शाबाश। देखिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं, इसका राइट आंसर और वो है बेटा आपका जो है हैरी पॉटर सीरीज। हैरी पॉटर सीरीज के जो राइटर हैं वो है जेके रोलिंग। अभी हमने बताया था मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत फेमस बुक है बेटा, मेरे पेपर में 10-20 बार आई होगी कम से कम, एक ही में नहीं अलग अलग, है ना। तो ये जो मिडनाइट चिल्ड्रन है इसके लेखक कौन है, सलमान रुश्दी, सलमान खान नहीं सलमान रुश्दी, ये जो है रुश्दी जो है वो इसके राइटर हैं।
अच्छा, ट्रेन टू पाकिस्तान इसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह। ये भी बहुत गजब बुक है, खुशवंत सिंह ये इसके राइटर हैं। और हैरी पॉटर सीरीज वो तो जेके रोलिंग है ही हैं। मैं आपके कमेंट देख लूं। अच्छा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय अभी आपने बताया भी था, ठीक है। चारों बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ठीक है, इसीलिए जो है आप इसको बताएं, ठीक है। वेरी गुड। हाँ भाई बेटा, इतने बड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ एग्जाम दिए हैं, और भगवान के आशीर्वाद से देश का कोनो एग्जाम ऐसा नहीं है जो हमने ना दिया हो, और जिसका मेंस ना दिया हो उससे बड़ी बात, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट वन, अगली बात है ना, टेक्स्ट बुक पे आपको खूब सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है कि किस चीज को कहां किस तरह से आना है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? द पेंट द नोबल ए सुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय के राइटर कौन हैं? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। और प्लीज सेशन को क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए, परीक्षा। जल्दी से बताइए, मोदी सिंह इज किंग। वेरी गुड बेटा, शाबाश। अमित कुमार, अमित कुमार का आंसर सबसे पहले आया है, और सही है या गलत है वो मैं बाद में बताऊंगा। राहुल प्रजापति, बेटा अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, मेरा समय निकल गया है, मेरा नाम अब आप रोशन करेंगे, टेक्स्ट बुक का नाम अब आप रोशन करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर प्लीज सेशन को शेयर करना ना भूलें, और इसका राइट आंसर है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है वो इसके राइटर हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, अब बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ये गलत हुआ बहुत गलत हो जाएगा। कैनेडी बॉय कॉमेडी नहीं कर रहे बेटा, हम बता रहे हैं तुमको, है ना। जल्दी से बता दो फटाफट, ये जो बुक है इसका राइटर, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए आप। ये जो बुक है, और बुक कौन सी है आपकी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फटाफट बताइए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाचा सिंह इज किंग, चाचा बोल रहे हैं, वेरी गुड। हमको नहीं पता है बेटा, लेकिन प्लीज बेटा सेशन को जरूर लाइक करें अगर अच्छा लगा है तो, जबरदस्ती नहीं है। और कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा है, ठीक है आप लोग। वेरी गुड, इसका राइट आंसर बेटा जो है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के फर्स्ट प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। और बेटा इस पर पहले एक जो है वो प्रोग्राम भी आता था, किस पे, दूरदर्शन पे। किसकी आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा होगा, हूज ऑटोग्राफी विल बी टाइटल्ड एज आई एम नो मसीहा, जरा बताइए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर तो मुझे पता है सब लोगों को मालूम होगा, सारे बच्चों को, लेकिन हमको पता है सर। वेरी गुड, जयनगर जानकारी, दो बार लाइक कर दें। अरे बेटा दो बार नहीं बेटा, बस ऐसे चलने दो। ज्योति सही है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, ओके। राइट आंसर आया सबसे पहले कैनेडी बॉय का, विकी का, अमित कुमार सबसे प्यारा बच्चा है क्लास का, आप जान लीजिए। किसी फालतू बात में ध्यान नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आया और आंसर देना शुरू। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अंकित लोधी जी, अंकित लोधी जी हमारे साथ जुड़ गए, वेरी गुड अंकित लोधी जी, शाबाश। और इसका राइट आंसर आप लोगों ने दे दिया है सोनू सूद। अगला जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए। हाँ, प्रीस द्वारा संकलित भारत की नवदृष्टि शिक्षा नीति, मतलब भारत की नवदृष्टि शिक्षा नीति, इसका जो है नवयुग का अभिनंदन पुस्तक का लोकार्पण की घोषणा किसने की, मतलब इसका लोकार्पण होगा
उसकी घोषणा किसने की? बताइए जरा। राइट आंसर है बेटा रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर। हालांकि अब एचआरडी मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, प्लीज सेशन को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वन जल्दी से बताइए, अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? भाई बहुत गजब क्वेश्चन है, अमेजिंग अयोध्या। हु इज द ऑथर एंड राइटर ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या? अमेजिंग अयोध्या के राइटर कौन है बेटा? फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ अमेजिंग अयोध्या के राइटर कौन है? अमेजिंग अयोध्या के राइटर कौन है? अब प्लीज सेशन को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, और वो है आपकी मीना रॉय। मीना रॉय ने जो है अमेजिंग अयोध्या ये बुक जो है वो लिखी है। नेक्स्ट वन जल्दी जल्दी बताना है, बहुत जल्दी बताना है। ओवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अवर ओनली होम द क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड? इसके राइटर कौन है? और बेटा इस समय पूरी दुनिया पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से क्या कर रही है, जूझ रही है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। अब जरा बताइए, सबसे पहले आंसर आया आदर्श झा जी का, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसके राइटर जो हैं वो है आपके कौन? दलाई लामा। इसके राइटर कौन है? दलाई लामा। बहुत ही प्यारी पुस्तक है बेटा, इसको प्लीज आप लोग याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके लेखक कौन हो सकते हैं आप लोग? ये क्वेश्चन तो आप रीजनिंग के बेस पर भी कर सकते हैं। आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो है वो इसकी राइटर हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मैंने टोटल आज आपके लिए 50 बुक, जितनी किताबें हो सकती है उनमें से 50 अच्छी किताबें निकाल के डिस्कस किया है। 30 क्वेश्चन में मैं उनको समेट के लाया हूं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, द पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बिग्स ऑफ द बिग्स ऑफ स्टोरीज नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज या बैग्स ऑफ स्टोरीज के राइटर कौन है? फटाफट बता दो बेटा, शाबाश। लेकिन प्लीज सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा, जल्दी से फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड बेटा, इसके राइटर हैं आपका जो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है वो इसकी राइटर हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बेटा, कौन सी पुस्तक नई किताब Let us dream का विमोचन करने वाला? Who is coming up with the new book title Let us dream? बेटा Let us dream बहुत फेमस, बहुत अच्छी, बहुत मस्त क्वेश्चन है, अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए जरूर बनेगा बेटा। पोप फ्रांसिस, इसका किसने जो है विमोचन किया है? पोप फ्रांसिस ने। ये अच्छी पुस्तक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, जल्दी से अगला क्वेश्चन और बताइए। हाँ, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग ऑफ सेव्ड इंडिया। बेटा लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग ऑफ सेव्ड इंडिया, द किंग हु सेव्ड इंडिया, जरा बताइए कि कौन है इसके राइटर? द किंग हु Saved India, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, पूछ रहा था, ठीक है शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर है बेटा अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी जो है इसके राइटर हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बताइए, और ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, सबको पता होगा। सियासत में सदस्यता के राइटर कौन है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ये ना पता हो? सियासत में सदस्यता, ऐसा तो नहीं है? वेरी गुड, शाबाश।
वेरी गुड त्रिपाठी जी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए, और इसके राइटर जो हैं वो है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी जो है वो इसके राइटर हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा, आई डू व्हाट आई डू, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू। बेटा ये तो फेमस डायलॉग ही हुई है, फिल्मी डायलॉग बोल दिए थे कि आई डू व्हाट आई डू। पत्रकारों ने पूछा था आप क्या कर रहे हैं, रेट वेट क्यों कम कर रहे हैं, तो जवाब दे दिया कि आई डू व्हाट आई डू, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और कैसे करना है। जरा बताइए इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं रघुराम राजन, हमारे देश की आरबीआई के पूर्व गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर। बेटा अब मैं लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देना चाहता हूं। पहली चीज, टेस्ट बुक पास 299 में आप 100 प्लस सिलेबस कोर्सेस पा सकते हैं। दूसरी चीज, कल हम लोग हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, हम उनको डिस्कशन करेंगे, तो कल भी मेरे साथ बने रहिएगा और कल भी मस्त एकदम प्यारे क्वेश्चन में आपके लिए लेके आऊंगा। और आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, और आज तो जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, तेंजिन प्रियदर्शी और जारा होसमान निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के सह लेखक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक को ऑथर्ड बाय तेनजी प्रियदर्श एंड जारा होसमांड, ये इसके कौन सी पुस्तक के जो है वो राइटर हैं, सह लेखक हैं, जरा बताइए फटाफट जल्दी से। तो बेटा ये इस बुक का नाम है रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री, रनिंग टूवर्ड्स मिस्ट्री। इसके साथ ही मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। कल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूंगा, और हम लोग जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, और देश की सबसे अच्छी बुक यानी टेस्ट बुक को पढ़ते रहिएगा। हम आपके साथ बने हुए हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए। इसके साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच।